आज डेमो कर रहे हैं ओरल केयर का एक प्रोडक्ट टूथपेस्ट का। तो साथियों, टूथपेस्ट में हमारे पास आज दो ब्रांड हैं। पहला जो ब्रांड मोस्ट पॉपुलर, इसको आप जानते ही होंगे और ये काफ़ी टीवी में ऐड आता है इसका। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो वेस्टिज ब्रांड का है, डेंटा एश्योर करके, जो वाइटनिंग टूथपेस्ट है। साथियों, सबसे पहले कि हम ये बात करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि टूथपेस्ट का जो काम होता है वो ये है कि ये जो दांतों के ऊपर जो पीले दाग होते हैं उनको हटाने का काम टूथपेस्ट करता है और जो कैविटी से हमें बचाता है और दांतों की जो खुद की जो वाइटनिंग है उस वाइटनिंग को बरकरार रखता है, जो दांतों की जो नेचुरल वाइटनिंग होती है उसको बरकरार रखता है और पायरे जैसी परेशानियों से हमें बचाता है। साथ ही कोई भी टूथपेस्ट को पहचानने के लिए और जो टूथपेस्ट जो ब्रांड होते हैं वो अपने टूथपेस्ट के जो डाउन टूथपेस्ट के जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ से टूथपेस्ट का जो डाउन एरिया है वहाँ पे इस तरह से कुछ निशान बनाए हुए होते हैं, उसका मतलब होता है इसमें हरा कलर होता है, इसमें रेड कलर होता है, इसमें ब्लैक कलर होता है। हरा कलर क्या कहता है? गहरा हरा कलर, जो ये डार्क ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो ये कहता है, या इसका जो बताने का है कि ये प्योर है, नेचुरल है, हर्बल है, इसके अंदर किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं है, कोई चूना पत्थर नहीं है। ये आपके जो दांत हैं उसको स्ट्रांग रखेगा और उसमें वाइटनिंग देगा। तो आज हम करते हैं इसका डेमो कि अगर ये प्योर हर्बल है और ये प्योर जो वाइटनिंग, जो दांतों की वाइटनिंग उसको नेचुरल बरकरार रखेगा, वो तभी रख पाएगा जब इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होगा, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का चूना पत्थर नहीं होगा, तभी वो हमारे जो दांतों को जो है वो सिर्फ उसका जो दाग है, जो पीलापन है वो हटाएगा, बाकी जो नेचुरल दांतों की जो वाइटनिंग है। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैलेस लेते हैं जहाँ पे हम इन टूथपेस्ट को डेमो करेंगे। और टूथपेस्ट का डेमो करेंगे सबसे पहले हम जो मार्केट का ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें हम ले लेंगे, उसके अंदर कुछ अमाउंट हम पॉपुलर ब्रांड डाल लेते हैं और इसमें रख लेते हैं। वहीं दूसरा हमारा वेस्टिज का जो डेंटा एश्योर है उसको भी हम इस साइड में कुछ अमाउंट में निकाल लेते हैं। और हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर बाकी क्या केमिकल्स नहीं है, क्या इसके अंदर कोई चूना पत्थर नहीं है। देखो, अगर इसके अंदर चूना पत्थर और केमिकल्स होगा तो इसके अंदर हम एसिड लेंगे, तो इसके जो एसिड इसके अंदर मिलाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो एसिड है इस एसिड को सबसे पहले इसमें कुछ अमाउंट हम एसिड लेंगे और वो एसिड लेकर के सबसे पहले तो ये जो खाली है वहाँ पे हम इसको डालेंगे, ये सेल्फ खुद तो नहीं कर रहा, तो हमें पता चल गया कि जहाँ है जैसा है वैसा ही है। और फिर हम क्या करेंगे, पूरा ब्रांड जो एसिड है वो हम डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसके अंदर केमिकल्स या कुछ ऐसा कुछ पार्ट्स हैं जो एसिड इसका रिएक्ट कर रहा है। और वहीं हम दूसरी तरफ जो हमारा डेंटा एश्योर है उसमें भी ये जो है, हमने ये जो एसिड है जो मिला दिया है, आप देख रहे हैं पूरा ब्रांड हमने एसिड मिलाया था वो आप देख रहे हैं कि उसमें उसने रिएक्ट किया है, यानी उसमें वो अभी भी रिएक्ट कर रहा है अगर आप इसको जूम में देखें तो। और वहीं हम अगर बात करें डेंटा एश्योर की तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर केमिकल्स नहीं है। साथियों, अगर इसको हम देखें तो ये कभी भी कोई टूथपेस्ट होता है जो ये हरा कलर है, जैसे मैंने बताया कि ये प्योर हर्बल का
पता चल जाता है कि हर्बल है। और अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जिस तरह से इसने रिएक्ट किया है उस तरह से, अगर इसके तरह हम थोड़ा थोड़ा और मिलाएं इसको तो हम देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये रिएक्ट कर रहा है। वहीं अगर इसके अंदर भी थोड़ा मिलाते हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं है, जबकि आप इधर देख रहे हैं इसने पूरा रिएक्शन किया है। साथियों जब ये हम दांतों के ऊपर, तो ये जो हमारे जो दांतों की जो नेचुरल वाइटनिंग है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करने का कार्य करेगा अगर ये यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो। दूसरा, अगर केमिकल्स बाकी चीज़ जो हमारे जो दाग होते हैं, जो गंदगी होती है, वो तो हम जो है ब्रश करते हैं और जब कुल्ला करते हैं तो वो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो केमिकल्स और इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दांतों से इतनी जल्दी हटते नहीं हैं। और वो जब हम खाना खाते हैं या कोई चीज़ हम नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो केमिकल्स है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो जो ही ये नलिका से जब हम खाना खाएंगे और अंदर जाएगा तो सबसे पहले वो जो हमारे लंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो साथियों हमेशा आप नेचुरल प्रोडक्ट ही लें, और ये जिस इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये सुझाया हुआ नंबर वन ब्रांड है। मुझे नहीं पता कि किसने सुझाया है इसको, लेकिन सुझाने का भी दो मतलब होते हैं। एक सुझाने का मतलब होता है सलाह देना, एक सुझाने का मतलब होता है फुलाना। ये कौन सा सुझाया हुआ है ये आप देखें, पर ये जॉक से इसको मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो प्रोडक्ट हैं, जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो यूज़ लें, क्योंकि ये पूरे शरीर की सुरक्षा करता है, ना सिर्फ दांत। जब दांत दांत हमारे सुरक्षित रहेंगे तो हम जो भी खाना खाएंगे वो प्योर जो है हमारे शरीर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हमने दांतों में ही अगर ये यहाँ पे इस तरह से केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक हो सकता है। साथियों दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ लीजिए, और क्योंकि हम मास्क लगा करके हम टूथपेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर ब्रश करना है तो हमें मास्क को हटाना होगा। और जब हम ये इस तरह के अगर मान लो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को यूज़ लेकर के, और फिर जो हमारा नेचुरल मास्क है जैसे मुंह जो हम बंद करते हैं, तो उसका जो केमिकल्स को जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? वो एक ही जगह मिलेगा जहाँ हम खाना खाएंगे, वो खाने के साथ जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो ऐसी केमिकल्स वाले प्रोडक्ट या इस तरह के प्रोडक्ट से हमें यही कहना है कि आप प्योर नेचुरल हर्बल डेंटाश्योर टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें, और ये मार्केट की प्राइस के इक्विलेंट में आता है। अगर आप इसके देखेंगे, इसमें भी दो प्रोडक्ट है, एक 55 रुपये का है, एक 125 रुपये का है। तो ये तो इसकी जो डीपी प्राइस है, इसके बाद में आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर आप ऐड होते हैं तो ये आपको 40-50% और डिस्काउंट मिलता है, जो आपकी मार्केट का जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के इक्विलेंट में ही आता है। तो ऐसे में आप ये पे करके, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सस्ता है, सस्ता भी नहीं है, तो फिर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बजाय आप डेंटाश्योर को ही यूज करें। तो वेस्टिज के डेंटाश्योर की बात करेंगे तो वेस्टिज ऑफर्स 100% गारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बी रिटर्न एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अगर आपको बाद में समझ में नहीं आता तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ये गारंटी और कोई कंपनी या और कोई ब्रांड देता है या नहीं देता है, ये आप अपने प्रोडक्ट पे भी देख लें कि आप वो प्रोडक्ट भी इस तरह की गारंटी देता है। और अगर वो इस तरह की प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देता है तो आपको डेंटाश्योर अपने टूथपेस्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेचुरल प्रोडक्ट को ही यूज करें जो आपके दांतों की वाइटनिंग को पूरा बरकरार रखेगा, साथ ही साथ आपकी जो वाइटनिंग, जो दांतों की जो प्योर वाइटनिंग है उसको चमकीला बनाने में भी ये काम करेगा, और जो दांत हैं उनकी जो नेचुरल वाइटनेस है उसको बना करके भी ये रखेगा। तो साथियों इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, वेस्टिज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। आप इसकी और इससे संबंधित आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। और आप अगर बेहतरीन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। कॉल कीजिए, मैं आपसे तमाम जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और बेहतरीन एक राइज टुगेदर साथ मिलकर के एक बेहतरीन बहुत ही बढ़िया उम्दा एक बिजनेस को एक्सपांशन करने में हम लगे हुए हैं। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, इस मुहिम में आप आ सकते हैं। इसके लिए आप कॉल कीजिए जो दिए गए नंबर हैं, और ये जो वीडियो जिसने भी आपको भेजा है संबंधित
वीडियो जो भी भेजा है उसमें आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए, ये क्या है बिजनेस। थैंक यू।